पहले हमारा सिस्टम ऐसा था कि हम बड़े ओ में रहते थे कि वह कोई फॉरेन कोच आएगा आपने भी फॉरेन कोच के साथ काम किया तो अब तो वो सिलसिला फाइनली ख़त्म हो गया ये मान लिया जाए मैं बी सी नहीं हूँ तो ये बता नहीं सकता फाइनली वो ख़त्म हो गया नहीं हो गया लेकिन ये ज़रूर है कि मैं हमेशा मानता था कि हमारे देश में भी उतने ही अच्छे कोचेज या प्लेयर हैं जो इंडियन टीम को मैनेज कर सकते हैं तो हमें फ़ौर कोच की ज़रूरत नहीं है बट जो मुझे जब मैं खेल रहा था तो मैंने दो तीन बार पूछा ये सवाल अपने सीनियर से कि भाई जॉन राइट के बाद क्यों हम लोग दूसरा फॉरेन कोच चाहते हैं तो क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारे इंडियन कोचेज के साथ अपना टाइम बिताया था तो वो ये कहते थे कि कभी कभी इंडियन कोच ना बायस हो जाते हैं फेवरेट हो जाता है कोई कोई फेवरेट नहीं होता है तो जो नहीं होता बेचारा उसकी शामत आ जाती है वो उसको बाहर चले जाता है तो फ़ौरन कोच आएगा सबको एक निगाह से देखेगा ऐसा उनका मानना था बट एक्चुअली फॉरन कोच भी आकर सबको एक निगाह से नहीं देखता उसके भी फेवरेट होते हैं hmm. वो भी नाम के आगे गिर जाता ये है ये तेंडुलकर है ट्राविड है गांगुली है लक्ष्मण है तो वो, वो ऐसा कुछ नहीं होता तो बाद में आप चैपल के फेवरेट बने नहीं कभी नहीं मैं आया तो चैपल ने पहली स्टेटमेंट ये दी थी कि भी विल बी द नेक्स्ट कैप्टन hmm. और दो महीने में ऐसा क्या हो गया कि पता नहीं कैप्टन से वो टीम से बाहर हो गए सो ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग इंडियन टीम को कोचिंग की जरूरत नहीं इंडियन टीम को मैन मैनेजमेंट की ज़रूरत है कि भाई आप एक ऐसा आदमी हो जो सारे प्लेयरों के साथ ना अच्छी दोस्ती रख सके अच्छा ख्याल रख सके भाई कोच को ये मालूम होना चाहिए कि बस मेरे को इसको कितनी प्रैक्टिस करानी है इसको कितनी नहीं जो कि आई थिंक उन सब में बेस्ट थे गैरी कस्टन क्योंकि वो मुझे सिर्फ पचास बोले खिलाते थे राहुल डोवि को दो बोले खेलते थे सचिन तेंदुलकर तीन बोले खेलते थे गौतम गंभीर चार बोले खेलते थे आकाशोपड़ा और ज़्यादा खेलते तो ये उनको मालूम था कि यार इनको इतनी बोले खेलने को मिलनी चाहिए इसको इतनी बोले खेलने को मिलनी चाहिए और उसके बाद वो छुट्टी देते थे कि भैया अब आपका काम हो गया आप घर जाइए होटल जाइए आराम की तो वो उनको पता होना चाहिए कोचिज़ को कि यार मेरे ये प्लेयर हैं Uh, इनको मेरे को कितनी प्रैक्टिस करानी है किसको कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है किसको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है तो बहुत सारे प्लेयर ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है मैं पंद्रह साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ अब मुझे प्रैक्टिस में मेरी ना कोई बेटर होना ना कोई खराब होना है तो अगर मैं मेंटली फिट रहूँगा अच्छा सोचूंगा तो शायद मैं बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता हूँ तो वो हम हमारे लिए वो काम बेटर है इंडियंस के लिए कि हम लोग अपने प्लेयरों को मेंटली ख्याल रखें क्योंकि प्रैक्टिस और फिजिकली तो ख्याल प्लेयर खुद रख सकता है एक मेंटली होता है ना उसको कंफर्ट जोन मिलना चाहिए ताकि वो बेहतर परफॉर्मेंस दे सके